हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी ने राजनीति करनी है, किसी अफसर ने, रिजाइन करो, आ जाओ चुनाव के मैदान में। इस देश के अंदर बड़े बड़ों की राजनीति खराब कर दी हम लोगों ने। अगर किसी ने राजनीति करनी है, रिजाइन करो, आओ चुनाव के मैदान में, खुल के आ जाओ, राजनीति करेंगे आमने सामने खड़े होके। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी के अंदर रह के राजनीति करने की कोशिश की, तो फिर उससे डील करना हम लोगों को भी आता है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आज इसको आप लोग, क्योंकि उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला सारे अफसरों को एड्रेस करने का, सो मैंने सोचा कि आज ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब ये जरूर याद रखें कि हम, हमारे साथ दो प्रकार के लोग हम जानते हैं भली भांति। कुछ लोगों को पूछते तो कहते मैं जॉब करता हूं, कुछ लोगों को पूछते तो कहते हैं मैं सर्विस करता हूं। वो भी 8 घंटे, ये भी 8 घंटे, वो भी तनख्वाह लेता है, ये भी तनख्वाह लेता है, लेकिन वो जॉब कहता है, ये सर्विस कहता है। ये फर्क जो है ना, वो हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। हम जॉब नहीं कर रहे हैं, हम सर्विस कर रहे हैं, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं कभी अफसरों से निराश नहीं हुआ। इतने बड़े लंबे तजुर्बे के बाद मैं विश्वास से कहता हूं, मैं कभी अफसरों से निराश नहीं हुआ। मेरे जीवन में कभी मुझे किसी अफसर को डांटने की नौबत नहीं आई है, ऊंची आवाज में बोलने की नौबत नहीं आई है। मैं जीरो एक्सपीरियंस के साथ शासन व्यवस्था में आया था, मुझे पंचायत का भी अनुभव नहीं था। पहले दिन से आज तक मुझे कभी कोई कटु अनुभव नहीं आया। मैंने ये सामर्थ्य देखा है, क्यों? मैंने अपनी सोच बनाई हुई कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा ने उत्तम से उत्तम ताकत दी है। हर व्यक्ति में परमात्मा ने जहां है वहां से ऊपर उठने का सामर्थ्य दिया है। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा इरादा दिया है, कुछ अच्छा करके जाना है। कितना ही बुरा क्यों व्यक्ति ना हो, वो भी मन में कुछ अच्छा करके जाने के लिए सोचता है। हमारा काम यही है, इस अच्छाई को पकड़ने का प्रयास करें।